दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के लिए जब इंडियन टीम अनाउंस हुई थी उस टाइम पर युजवेंद्र चहल, शिखर धवन इनके नाम सामने नहीं आए थे, शॉकिंग लगा था, काफी बातचीत हुई थी। फिर IPL में जब इनका परफॉर्मेंस देखी गई तो इस बात ने और ज्यादा तूल पकड़ ली कि भाई ये प्लेयर्स क्यों टीम में नहीं है। अब ये बातें पुरानी हो चुकी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ टीम 10 विकेट से हार चुकी है, तो अब कौन इनके बारे में बात करना पॉइंटलेस नजर आता है। लेकिन किस चीज पर बात हो सकती है और होनी चाहिए वो ये कि भाई अपने अगले मैचेस में, इस टूर्नामेंट के दौरान जो अगले मैचेस हैं उसमें हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कौन से प्लेयर्स इंक्लूड करने चाहिए और किस तरह से परफॉर्मेंस को इनहेंस करना चाहिए। दोस्तों यहां पर जो सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है वो है हार्दिक पांड्या। हाल फिलहाल जब पाकिस्तान के खिलाफ टीम खेली थी तो उनके कंधे पे एक बार फिर चोट लगी थी, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए थे, ऑफिशियल्स ने बोला, टीम मैनेजमेंट ने बोला है कि भाई सीरियस इंजरी नहीं है, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें एक बार फिर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन हमें देखने को मिलेंगे या एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि अगर बैट्समैन के तौर पे हमें दिखते हैं तो भाई टीम में ईशान किशन भी हैं जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी करी थी, और अगर बात करें हार्दिक पांड्या की तो प्रैक्टिस मैच में भी वो कुछ खास परफॉर्म करते दिखे नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें अगेंस्ट पाकिस्तान तो इस मैच में भी उन्होंने कोई खास पारी नहीं खेली थी, मात्र 2 चौके लगाए थे और समवेयर अराउंड 8 रन बनाए थे, 8-10 रन बनाए थे। तो ऐसे में क्या हार्दिक की अवेलेबिलिटी टीम के लिए एक एसेट के तौर पे सामने आएगी या फिर वो बनेंगे एक लायबिलिटी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या हार्दिक को यहाँ टीम में रखना चाहिए या नहीं, जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हालांकि अगर हम बात करें हमारे इंस्टाग्राम पे हुए पोल सेशन की तो भाई वहां पर टीम लोगों का कहना है, सभी का कहना है कि हार्दिक पांड्या को अभी भी टीम में होना चाहिए, क्योंकि अगर विराट कोहली की अगर हम बात सुने तो उनका साफ तौर से कहना था कि भाई रातों रात हम हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर खड़ा करके नहीं रख सकते हैं, 6 या 7 डाउन के लिए कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अब इस हिसाब से दोस्तों आपके अकॉर्डिंग यहां पर क्या हार्दिक की जगह ईशान किशन को लाना इज अ वाइज ऑप्शन, कंसिडरिंग कि भाई हार्दिक अभी उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा कंसर्न बन जाता है दोस्तों। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें भुवनेश्वर कुमार की, अपने एनालिसिस में हमने बात करी थी कि भाई भुवनेश्वर का एक्सपीरियंस यहां पर काम आएगा, लेकिन वो उतने ज्यादा कारगर साबित होते नहीं दिखे हैं। IPL के दौरान भी वो अपने उस टच में, अपने गोल्डन पीरियड वाले टाइम के जैसे वो बॉल करते थे उस लिहाज से बॉलिंग करते नहीं दिखे हैं। तो ऐसे में क्या शार्दुल ठाकुर एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनकी हमने बल्लेबाजी भी देखी है, शार्दुल के पास क्षमता है कि वो 6 या 7 डाउन पर, 7 डाउन पर बेसिकली एक हिटिंग कर सकते हैं जिसकी हमें इस पोजीशन पर जरूरत है। तो क्या शार्दुल भुवनेश्वर की जगह ले सकते हैं, लेकिन वंस अगेन अगर ऐसा होता है तो फिर हम 5 बॉलर्स के साथ रह जाएंगे, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह एंड देन रविंद्र जडेजा एंड वी हैव वरुण चक्रवर्ती। नाउ वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग पर भी लोगों ने सवाल उठाए थे, इवन वी थॉट कि वरुण चक्रवर्ती वाज गुड अगर उनके IPL स्टैट्स देखें, लेकिन IPL की बात अलग है भाई, यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं, इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो और वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट। आई पर्सनली फील कि भाई वहां पर रविचंद्रन अश्विन का होना ज्यादा बेटर था, वो ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर थे तो वो एक अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे। खैर जो हुआ सो हुआ, भाई आगे आने वाले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर हमें खेलते नजर आएंगे या फिर दोस्तों रविचंद्रन अश्विन को मौका मिलना चाहिए। अब यहां पर दोस्तों आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या हमें चेंजेस करने चाहिए एज अ टीम, भाई अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर राहुल चहर भी अवेलेबल है, तो ऐसे में क्या हम राहुल चहर को अगले मैच में मौका दे सकते हैं या फिर वरुण चक्रवर्ती को ही एक बार फिर से मौका देना चाहिए, ये सभी बातें आप खुल के अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। राइट नाउ जो बात है वो ये कि भाई ईशान किशन को टीम में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, और अगर ईशान किशन इंक्लूड होते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है, उन्हें 7th डाउन तो खिलाया जा नहीं सकता है, तो ऐसे में क्या ईशान किशन से ओपन कराना चाहिए, KL राहुल को पीछे खिलाना चाहिए या फिर वंस अगेन सूर्य कुमार यादव को किस पोजीशन पे रखना चाहिए, क्या राइट नाउ जो उनकी पोजीशन है इट इज बेस्ट। तो काफी कुछ दोस्तों चेंजेस होने की जरूरत है राइट नाउ अगर हम टीम के बारे में सोचें, क्योंकि पोजीशन के साथ साथ हमें 7th और 6th डाउन का जो मसला है वो भी क्लियर करना है। अब दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है उसमें
जो हमारी प्लेइंग 11 होनी चाहिए या प्रेडिक्टेड अगर हम बात करें तो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं रोहित शर्मा, ईशान किशन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और वरुण चक्रवर्ती। अब यहाँ पर दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इस प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भाई लोग आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ, तो जुड़े रहे मेरे यानी क्रिकेट लाइन गुरु के साथ। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।